Hey guys, this is Imran and you are watching Tech Review Destination for Tech. तो guys, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दो मिनट में अपने मोबाइल फ़ोन के यूज़ से कैसे विजिटिंग कार्ड या फिर बिजनेस कार्ड बना सकते हैं सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करके। काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे विजिटिंग कार्ड का टेम्पलेट बना हुआ है, तो आप कैसे इसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसे हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें इसे मैं एग्ज़िट कर देता हूँ और हम ओपन करेंगे प्ले स्टोर और इस ऐप का नाम है विजिटिंग कार्ड मेकर विथ फोटो बिजनेस कार्ड मेकर। ठीक है, तो आप इसे सर्च कर सकते हैं सिंपली विजिटिंग कार्ड मेकर सर्च करके, ये तीसरे नंबर पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसे ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर करना है, जिसमें आपको पूछा कि कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मुझसे नहीं पूछ रहा है, तो इसे आप इंग्लिश चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी आसान है। ठीक है, तो आने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है प्रोफाइल करके। तो अगर आप अपना विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो आप सबसे पहले आप कीजिए कि प्रोफाइल पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए, ताकि आपको काफ़ी बाद में काफ़ी आसान होगा, कोई ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक क्लिक में आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैंने अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह सब कुछ पहले से भर लिया है और यहाँ से आप लोगो चूज़ कर सकते हैं। आप सिंपल चूज़ लोगो पर क्लिक कीजिए, करने के बाद आप यहाँ से लोगो चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपना चैनल का लोगो चूज़ किया है और सीधे से डन कर दीजिए, ये लोगो चूज़ हो जाएगा। उसके बाद आप सेव कर दीजिए, प्रोफाइल सेव हो जाएगा, इसे करते हैं क्लोज। उसके बाद हम चलेंगे सीधा क्रिएट पे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे बिजनेस कार्ड यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप अपने प्रोफाइल को फिल कर सकते हैं, फिल प्रोफाइल पे क्लिक करके आप बढ़ सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एक अच्छा सा टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसे चूज़ कर लिया। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन फिल किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिससे नीचे मेरा वेबसाइट का लिंक है तो इससे हम क्लिक करते हैं, तो ये हाईलाइट हो गया और यहाँ से इसे लेफ्ट में मूव कर देते हैं, काफ़ी आसान है। ठीक है, ये हो गया और इसको भी यहाँ से हम मूव कर लेते हैं। आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं और नेविगेशन की को भी यूज़ करके मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मूव हो गया। और अगर चाहते हैं तो लोगों का साइज इंक्रीज़ करना, तो यहाँ से थोड़ा सा हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बाकी सब का एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, इसे थोड़ा नीचे करते हैं और टेक रिव्यू को थोड़ा सा यहाँ करते हैं, अब लोगों यहाँ प्लेस कर देते हैं। ये हो गया, तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट साइड। अब हम बात करेंगे बैक साइड का, तो हम यहाँ पे ऊपर में क्लिक करेंगे बैक साइड, तो ये रहा हमारा बैक साइड, ये भी ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। तो फ्रंट साइड पे आते हैं, यहाँ से आप काफ़ी सारे आइकन्स कुछ चूज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आता हूँ आइकन्स पे, तो नीचे काफ़ी सारे आइकन आ गए, जैसे फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। फॉर एग्जाम्पल मुझे फेसबुक का भी लिंक करना है, तो आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए फेसबुक का, ये आ गया फेसबुक का, यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद हमें आना टेक्स्ट, टेक्स्ट में अपना जो फेसबुक का नाम है या फिर URL डाल सकते हैं, www. मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, आप सही से टाइप कर लेना .com सेट, ये डन। इसे पकड़ते हैं, थोड़ा साइज छोटा करते हैं और ऐसे यहाँ इसको यहाँ पे ऐसे आप लगा सकते हैं। तो फ़ॉन्ट शेप पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप फ़ॉन्ट के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद तो ये हमारा, इसको यहाँ सेट करता हूँ मैं, ये हो गया। तो ऐसा आप कर सकते हैं हर कुछ चूज़ करना है। तो उसके बाद हमें इसे करना है सेव, तो हम सिंपली यहाँ पे जो बीच में डाउनलोड बटन बना हुआ है इस पर हम क्लिक करते हैं और
यहाँ पे हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों विजिबल हो गया, तो हम डाउनलोड फ्रंट साइड करेंगे। तो ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड्स में चला गया ये, तो ये डाउनलोड्स में चला गया आपके इस ऐप के अंदर। ठीक है, तो हम जाएंगे व्यू डाउनलोड्स पे। तो मैंने काफ़ी सारा पैलेट बना रखा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये यूज़ करना है। इस पर ओपन करेंगे, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ये प्रिंट का ऑप्शन बना हुआ है, या फिर आप इसे शेयर कर सकते हैं। ये काफ़ी हाई क्वालिटी में ये विजिटिंग कार्ड बना हुआ है, तो आप इसे प्रिंट कीजिएगा, काफ़ी अच्छे से प्रिंट होकर आएगा। तो हम शेयर पर क्लिक करेंगे, शेयर पर क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है शेयर करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पर से आप मेल भी कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा जीमेल, आप यहाँ से जीमेल पे भी मेल कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने एक बार अपना सारा इंफॉर्मेशन फिल कर दिया था, तो अगर हम इसे चाहते हैं कुछ और ट्राई करना, तो हम सिर्फ किट पे क्रिएट पे जाएंगे और दूसरा टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये, तो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ नाम लिख करके आएगा। तो ऐसे आप काफ़ी अट्रैक्टिव और कम समय में अपना विजिटिंग कार्ड तैयार कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं, इससे आपके काफ़ी सारे पैसे बचेंगे, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल पास जाओगे तो आपको काफ़ी पैसा वो चार्ज करेगा डिज़ाइन करवाने के, और प्रिंट करवाने के भी चार्ज अलग से देने होंगे। तो ऐसे में से आपको प्रिंट का ही चार्ज देना पड़ेगा, डिज़ाइन करने का चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और यहाँ पर काफ़ी सारा डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 117 डिज़ाइन है पड़ा हुआ है, फिर भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जल्दी कर दूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आपके सामने मेरे चैनल का लोगो आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स वॉचिंग, बाय।